आपका क्वेश्चन है, ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो इसने क्या कहा है, देयर इज अ टावर। तो सपोज दिस इज योर टावर ए एंड बी इज द टावर। अब इसका हाइट भी इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 150 मीटर्स। और क्या कहा इसने, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, नाउ जॉइन देम। तो दिस पॉइंट इज योर सी एंड दिस पॉइंट इज योर डी। ठीक है, नाउ अब देखो इसने क्या कहा, ये कहां से देख रहा है, ये टावर के ऊपर से देख रहा है। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दैट मीन्स डिप्रेशन, नीचे की तरफ। तो वी विल मेक अ पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंगल इज 45 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका 45 का होगा और ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री का। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस का हमको पता है प्रॉपर्टीज क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 45 इधर है तो ये 45 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्रीज। नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ठीक है ना, तो इसको हम ले लेते हैं यहां पर x मीटर्स और ये ले लेते हैं हम y मीटर्स। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू अपोजिट इज 150 बाय बेस, बेस इज x। तो tan 60 कितना होता है हमारा, रूट थ्री इज इक्वल टू 150 बाई एक्स, है ना। तो हमारा अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x कितना आ जाएगा 150 बाई रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू रेशनलाइज करो 150 रूट थ्री बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू 50 रूट थ्री मीटर्स। ठीक है ना, तो ये तो 50 रूट थ्री मीटर्स आ गया आपका x, दिस वन। ठीक है ना, अब हम tan 45 लेते हैं, दैट इज इक्वल टू नाउ, अब देखो tan 45 क्या क्या है हमारा, 150 बाई y प्लस x कितना निकला 50 रूट थ्री। तो tan 45 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 150 बाई y प्लस 50 रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा y प्लस 50 रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू 150। ठीक है ना, तो y कितना हो गया 150 माइनस 50 रूट थ्री, तो 50 इज कॉमन, तो 50 हमने कॉमन ले लिया तो आपका आ गया 3 माइनस रूट थ्री मीटर्स। ठीक है ना, अब इसको आपको सॉल्व भी करना है,
एग्जाम में आपको ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, क्या करना है रूट थ्री की वैल्यू डालनी है 1.732। तो हमारा x कितना निकलेगा, x आपको निकालना है, नहीं निकालना है तो इसकी जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको y ही निकालना है, ओनली दिस। तो ये आपका क्या हो गया, देखो 50 इंटू 3 माइनस 1.732 दैट इज इक्वल टू 50 इंटू, नाउ 3 माइनस 1.732 कितना हो गया 8, 9 में 3 गया 6, 9 में 7 गया 2 और 1, 1.268 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू, नाउ 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 एट जा 40 और 0 पहले लिख दो, 4 कैरी 34, 3 कैरी 10, 13, 1 कैरी 6 एंड डॉट के बाद कितने हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो 63.400। तो 00 को कोई वैल्यू नहीं होता, तो दिस इज योर मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 63.4 मीटर्स, ठीक है।